दिनों दिन बढ़ रहे साइबर क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। रविवार को खंडारी कैंपस जीपी सभागार में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने साइबर क्राइम की शिकायत मिलने पर कार्रवाई के बारे में प्रशिक्षण दिया। देश विदेश में बैठे साइबर अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारी और पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। खंडारी कैंपस जेपी सभागार में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने साइबर क्राइम्स की शिकायत मिलने पर कार्रवाई के बारे में पुलिस को प्रशिक्षण दिया। देखिए, ये बैठक नहीं, मैं कहूंगा कि एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो हमारे आज जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, अभी पुलिस ऑफिसर्स हैं, उसके साथ प्रोसिक्यूशन के ऑफिसर्स हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी हैं, जिनको आज ट्रेन किया जा रहा है। बेसिकली कैसे किसी भी साइबर इन्वेस्टिगेशन में साइबर फ्रॉड को कैसे हैंडल करना है, कैसे इनिशियली उसको मतलब उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, एविडेंसेस को कैसे क्लोज करना है, कैसे साइबर सेल की हेल्प लेनी है, साइबर एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी है, और फिर कैसे फाइनली उस फ्रॉड के मनी ट्रेल को प्रॉपरली अंजाम तक पहुंचाना, उसके संबंध में ये ट्रेनिंग है। खंडारी कैंपस में हुई गोष्ठी के दौरान पुलिस कमिश्नर ने साइबर क्राइम को कैसे हैंडल करना और कैसे हेल्प करनी है, इस बारे में प्रशिक्षण दिया। हालांकि साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए साइबर थाना और साइबर सेल है, लेकिन अधिकारियों के साथ थाना प्रभारियों को भी ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग उन डिपार्टमेंट्स की भी होगी जो आगे हमने मॉड्यूल रखा है, जो डिपार्टमेंट्स इस तरह की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हैंडल करते हैं। पहले भी हमारे साइबर सेल ने कई जगह जाके जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो बैंकिंग अथॉरिटीज हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ट्रेन किया। आज हम अपने जो लोग हैं जिनको फाइनली ये साइबर फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करना, उनको ट्रेन कर रहे हैं, और ट्रेन करने के साथ साथ एक सिंपल तरीके से साइबर फ्रॉड को कैसे समझाना, कैसे पब्लिक को अवेयर करना है, उसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। साइबर फ्रॉड होने पर लोगों की शिकायत पर पैसे कैसे वापस कराने हैं, इस बारे में जानकारी दी गई। साइबर क्राइम्स में एक्सपर्ट्स की भी मदद ले सकते हैं, जिससे ऐसे अपराधों पर अंकुश लग सके। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।